दोस्तों, अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट करना चाह रहे हो और प्राइवेट करने पर आपको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, यहाँ पर लिखा हुआ रहा है बिजनेस अकाउंट कैंट बी प्राइवेट। अगर आपका भी बिजनेस अकाउंट है और आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आपका अकाउंट प्राइवेट नहीं हो रहा है, इस तरीके का पॉपअप आपके सामने शो हो रहा है, तो इस वीडियो को ध्यान से देख लो और समझ लो। इस वीडियो में आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर ओके प्रेस कर लीजिए। उसके बाद आपको एक सेटिंग इसमें करना होगा, आपका जो अकाउंट है वो बिजनेस में कन्वर्ट किया है आपने, तभी आपको ये जो है प्रॉब्लम आ रही है और आपका अकाउंट प्राइवेट नहीं हो रहा है। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको पर्सनल अकाउंट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर से, तभी आप इसका जो आपका अकाउंट प्राइवेट होगा। इसके लिए आपको बैक आना है और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे प्रोफाइल है, प्रोफाइल पे आप टैप कीजिए। उसके बाद प्रोफाइल पे जैसे आप टैप करोगे, उसके बाद ऊपर आपको थ्री डॉट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, आप देख रहे हो पा रहे होंगे कि यहाँ पर ऊपर आपको थ्री डॉट्स दिख रहे हैं। सिंपली इस डॉट्स पर आप क्लिक करिए। उसके बाद नीचे एक सेटिंग का ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, सेटिंग्स का ऑप्शन, तो सिंपली आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर आना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक अकाउंट का ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, अकाउंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अब अकाउंट के ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन भी आ रहा है और योर एक्टिविटी सेव्ड, बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने शो कर रहे हैं। तो आपको सबसे नीचे लास्ट में आना है, सबसे नीचे लास्ट में आइए। उसके बाद एक ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर स्विच अकाउंट टाइप का, आपको एक ऑप्शन ध्यान से आप देख सकते हो यहाँ पर दिख रहा है स्विच अकाउंट टाइप का। इसका मतलब ये है कि आपने अगर बिजनेस में इसको कन्वर्ट किया था अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को, तो बिजनेस से फिर सिंपली आप उसको पर्सनल अकाउंट पर कन्वर्ट कर लीजिए, जिससे आपका अकाउंट प्राइवेट होने में आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैं स्विच अकाउंट टाइप पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद स्विच टू पर्सनल अकाउंट पर जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है उस पर आपको टैप करना है। तो यहाँ पर मैं स्विच टू पर्सनल अकाउंट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ स्विच टू पर्सनल अकाउंट पे। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद एक बार ये परमिशन और आपसे पूछेगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे फिर से स्विच टू पर्सनल अकाउंट पे प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर मैंने प्रेस किया, उसके बाद हम यहाँ पर ऊपर देख सकते हो लोडिंग हो रहा है। अब मैं फिर से प्राइवेट अकाउंट करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो पर्सनल अकाउंट पर कन्वर्ट हो चुका। फिर से हम इस पर चलते हैं, फिर से डॉट्स पर क्लिक करते हैं ऊपर, उसके बाद चलते हैं सेटिंग्स वाला ऑप्शन पर और यहाँ पर चलते हैं प्राइवेसी पर। अब यहाँ पर मैं प्राइवेट अकाउंट आपको करके बताता हूँ। यहाँ पर सिंपली मैं प्राइवेट अकाउंट पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैंने प्राइवेट अकाउंट पर क्लिक किया, उसके बाद नीचे फिर से एक ऑप्शन आ रहा है स्विच टू प्राइवेट, तो फिर से मैं स्विच टू प्राइवेट पर क्लिक करूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पर वेन टू रिव्यू योर फॉलोवर्स, तो अगर आप फॉलोवर्स का रिव्यू करना चाहते हो, अपने फॉलोवर्स जो है रिमूव करना चाहते हो, तो रिव्यू फॉलोवर्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जिसको भी आपको रिमूव करना है, तो सिंपली यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। तो हमारा अकाउंट तो जो है प्राइवेट अकाउंट में कन्वर्ट हो रहा है। देख सकते हो हमारा अकाउंट ऊपर, यहाँ पर हमने प्रोफाइल पर क्लिक किया, उसके बाद ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो एक लॉक का सिस्टम आपको दिखेगा यहाँ पर लॉक का। इसका मतलब ये है कि आपका अकाउंट है सक्सेसफुली प्राइवेट हो चुका है। इस तरीके से आप अपने बिजनेस अकाउंट को पहले पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद आप इसको प्राइवेट कीजिए, तो ये सक्सेसफुली हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ऐसी वीडियो मैं चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर दीजिए और शेयर करिए सभी दोस्तों।